जहां किसानों की आत्महत्या में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर वन, बेरोजगारी में पूरे देश भर में मध्य प्रदेश नंबर वन, बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर वन, भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर वन, ऐसा मध्य प्रदेश कांग्रेस को दिया। 120 दिन पहले जो हमने वचन दिया था कि हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मेरे पास 75 दिन थे, राहुल जी का आदेश था कुछ भी करो, कांग्रेस वचन बंधे कि हम कर्जा माफ करेंगे। हमने शुरुआत करी और मध्य प्रदेश के 50 लाख किसानों में से 21 लाख किसानों का कर्जा हमने 75 दिन में माफ किया। आप गवाह हैं। शिवराज सिंह कहते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। शिवराज जी, 15 साल आपने झूठ बोला है। मोदी जी, आपने तो पिछले 5 साल झूठ बोलते गए हैं, 20 दिन और झूठ बोल लीजिए, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो मध्य प्रदेश के किसानों का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, ये मैं वचन देना चाहता हूँ, राहुल जी के सामने ये वचन देना चाहता हूँ कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है, लोकसभा का चुनाव खत्म होता है, मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। और केवल डिफॉल्टर का नहीं, जिनके चालू खाते हैं उनका भी कर्जा हम माफ करेंगे। ये हमने वचन दिया है। हमने आपको वचन दिया था कि हम शुरुआत करेंगे। हमारा जो वचन पत्र है, 5 साल का वचन पत्र है, पर हमने फौरन शुरुआत करी। हमने कहा था हम पेंशन बढ़ाएंगे, पेंशन बढ़ी 300 से 600 रुपए खड़ा किया। हमने कहा था कि हम बिजली आधी करेंगे, बिजली का बिल आधा करेंगे, किया। हमने कहा था कि हम 100 रुपए 100 यूनिट बिजली देंगे, दी। हमने कहा था शादियों के लिए हम 51,000 रुपए देंगे, दिया। ये हमारे नीति और नियत का परिचय है। और मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये 75 दिनों में जो कार्य हैं आप सबके सामने हैं, 175 दिन होने दीजिए, 275 दिन होने दीजिए, हम एक नया इतिहास बनाएंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ नौजवान हैं, ये हमारी चुनौती है, यही हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। आज का भटकता हुआ नौजवान जिसकी अपनी सोच है, आज के नौजवान की दुनिया अलग है। आज का नौजवान जुड़ा हुआ है इंटरनेट से, आज का नौजवान में एक तरफ है, तरफ कोई ठेके की नहीं है, तरफ कोई कमीशन की नहीं है, आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और यही हमारी चुनौती है। पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में जितने उद्योग लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। और मोदी जी की बात याद है मोदी जी के नारे, नौजवानों भविष्य आपका है, याद रखिएगा। इनके क्या क्या नारे थे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, याद है ये नारे। बड़े बड़े विज्ञापन निकालते थे, यहाँ कोई है आज डिजिटल इंडिया वाला, यहाँ कोई है स्टैंड अप इंडिया वाला? कितना धोखा हमारे नौजवानों के साथ मोदी जी ने दिया। और सबसे ज्यादा खेलवाड़ हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ किया। कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, मोदी जी बता दीजिए 20 नाम टीकमगढ़ के बता दीजिए जिनको रोजगार मिला हुए। कौन सी बात नहीं करते थे मोदी जी, उस पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि समय नहीं है, पर आपसे बड़े संक्षेप में ये बात कहना चाहता हूँ, जो आप 6 तारीख को बटन दबाएंगे, ये तंबू नहीं रहेगा, ये पोस्टर नहीं रहेंगे, ये बैनर नहीं रहेगा। 6 तारीख के बाद 7 तारीख भी आएगी, 7 मई आएगी, 7 जून आएगी, जो आप बटन दबाएंगे, आप
हमारी किरण बहन का कांग्रेस का बटन तो दबाएंगे, पर सबसे पहले आप अपने भविष्य का बटन दबाएंगे। और आज मैं जतारा के लोगों को, टीकमगढ़ के लोगों को यही कहना चाहता हूं, मौका दीजिए कि हम टीकमगढ़ के विकास का एक नया इतिहास बनाएं। मैं जानता हूं कि नदियां और तालाब को जोड़ने की आवश्यकता है, मैं जानता हूं कि यहां बांध की आवश्यकता है, मैं यहां की समस्याओं से परिचित हूं। और मैं तो आपसे इतना कहता हूं, 75 दिन का कार्यकाल की तस्वीर अपने सामने रखिएगा और हमें मौका दे दीजिएगा, हमें मौका दे दीजिएगा कि हम नया इतिहास बनाएं। ये बुंदेलखंड का उपेक्षित इतिहास हमें बदलना है, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। टीकमगढ़ हो, छतरपुर हो, जो भी हो, हम बुंदेलखंड का क्या उपेक्षित इतिहास बदलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय आप भरोसा करेंगे राहुल जी पर, आप भरोसा कांग्रेस पार्टी पर करेंगे। राहुल जी आपको बताएंगे कि हमारी और कौन सी योजना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, पर आपसे यही कहना चाहता हूं, ये मौका आपने हमें 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस को दिया था। 5 महीने ही हुए हैं, 10 महीने हो जाएंगे, आपको एहसास होगा कि किस प्रकार हम किस पटरी पर चल रहे हैं और अपने बुंदेलखंड का नया विकास का इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय हमारे लाडले नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हम आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद।